लीजेंड्स क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोंटी पेनेसर आगरा पहुंचे, रेलवे अधिकारियों ने गमजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने भारत के खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई शुरुआत की है। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। क्रिकेट और अन्य खेलों के कई दिग्गज खिलाड़ी वंदे भारत से 17 राज्यों की यात्रा करेंगे। रेलवे के साथ मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ी निकल पड़े हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जॉन्टी रॉड्स, इंग्लैंड के गेंदबाज मोंटी पेनेसर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सैयद किरमानी और ईश्वर पांडे एक साथ आगरा है। मोंटी पेनेसर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे और अन्य साथी क्रिकेट खिलाड़ी आगे के लिए रवाना हो गए। मोंटी पेनेसर के स्वागत के लिए पूरा इंतजाम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर था। अधिकारी स्वागत के लिए मौजूद थे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोंटी पेनेसर के साथ फोटो खिंचवाने वालों की होड़ लग गई। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई फोटो खिंचवा रहा था। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पेनेसर का कहना था, भारतीय क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप में कर रही है और भारतीय क्रिकेट टीम ही वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार है। इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है अभी, सब इंडिया लगती है, इंडिया लगता है इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। जरूर आई थिंक इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। रेलवे के द्वारा गमजोशी के साथ स्वागत किया गया। रेलवे खेलों को हमेशा बढ़ावा देती रही है। बड़ी संख्या में खिलाड़ी रेलवे में नौकरी भी करते हैं। वंदे भारत ट्रेन से खिलाड़ियों की यात्रा बेहद यादगार रही। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोंटी पेनेसर ने उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल की DCM एवं जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव से बातचीत की और वंदे भारत ट्रेन की तारीफ की। भारत सरकार द्वारा स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ मिलकर लेजेंड्स लीग ऑफ क्रिकेट ट्रॉफी को पूरे देश में ट्रैवल कराया जा रहा है। उसी के क्रम में आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारी सबसे प्रीमियम ट्रेन है उसमें भोपाल से दिल्ली तक 4 लेजेंडरी क्रिकेटर्स सफ़र कर रहे हैं, जिसमें सैयद किरमानी, मोंटी पेनेसर, जॉन्टी रोड्स जैसे नामी क्रिकेटर्स हैं। इसमें से आज मोंटी पेनेसर आगरा कैंट स्टेशन पे वंदे भारत से उतरे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वंदे भारत के सफ़र को बहुत इंजॉय किया और अब वो यहाँ से ताजमहल जा रहे हैं। वहाँ पर ट्रॉफी के साथ वो क्रिकेट के वो बहुत खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उन्हें वंदे भारत का सफ़र और रेलवे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और अब वो क्रिकेट ट्रॉफी को ताजमहल ले जाके वहाँ पे अपना कार्यक्रम आगे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत को खेलों में विश्व शक्ति बनाने में जुटे हैं। यही वजह है खेलों और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। ओलंपिक भी भारत में करने की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेजेंड क्रिकेट लीग भारत में होने जा रही है। लेजेंड क्रिकेट लीग के प्रमोशन के लिए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पेनेसर आगरा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन से उतरे, रेलवे अधिकारियों ने गमजोशी के साथ स्वागत किया। मोंटी पेनेसर का कहना है, वर्ल्ड कप में भारत सबसे मजबूत टीम है और भारत ही वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है। आगरा आने पर मोंटी पेनेसर बेहद उत्साहित नजर आए। इसके अलावा अन्य खिलाड़ी भी ट्रेन के अंदर मौजूद थे। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।